टीम इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा की कप्तानी में हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया और इसी प्रदर्शन की वजह से ICC ने उन्हें टूर्नामेंट की टीम में भी शामिल किया। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव के बारे में खबर आ रही है कि इन्होंने भी टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों की तरह ही संन्यास लेने का फैसला कर दिया है। इस खबर को सुनने के बाद सभी समर्थक बेहद ही मायूस नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया ने जैसे ही T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया उसके बाद कई दिग्गजों ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनने के बाद विराट कोहली ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके बाद टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक रविंद्र जडेजा ने अभी अपने करियर को विराम लगाने का ऐलान कर दिया। टीम इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक सूर्य कुमार यादव ने T20 क्रिकेट के अलावा किसी भी प्रारूप में भारतीय टीम के लिए रन नहीं बनाए हैं, इसी वजह से इन्हें लगातार ट्रोल किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर आई है कि सूर्य कुमार यादव अब अपने टेस्ट करियर को विराम लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। सूर्या ने बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज 2023 के दौरान टेस्ट क्रिकेट में अपना पदार्पण किया था और इस सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद इन्हें दोबारा फिर कभी मौका नहीं दिया गया। अगर बात करें टीम इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक सूर्या के टेस्ट करियर की तो उनका करियर महज एक मैच तक ही है। सूर्या ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इस मैच में बल्लेबाजी के दौरान सूर्या ने महज 8 रन बनाए थे। हालांकि सूर्य कुमार यादव का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ T20 क्रिकेट में ही देखने को मिलता है, तो ऐसे में सूर्या की एज को देखते हुए, क्योंकि वो 33 साल के हो चुके हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि सूर्या टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि सूर्या को भी ये पता है कि अब उन्हें वापस कभी भी किसी भी टेस्ट सीरीज में भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिलेगा। सूर्या को वनडे में मौका मिल सकता है, T20 में तो सूर्या अगले कप्तान हो सकते हैं, पर टेस्ट क्रिकेट में सूर्या का जलवा नहीं बिखर पाएगा क्योंकि सूर्या उस फॉर्मेट के लिए शायद बने ही नहीं हैं। यह हमने पिछले बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2023 में देख चुके हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ खिलाड़ी कुछ फॉर्मेट्स के लिए नहीं बने होते, जैसे कि युजवेंद्र चहल शायद टेस्ट क्रिकेट कभी नहीं खेल पाएंगे, जैसे कि सूर्या शायद टेस्ट क्रिकेट में कभी भी वो अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे जितना उन्होंने T20 क्रिकेट के लिए दिया है। इसीलिए ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल चल रहा है, खबरें चल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स चल रही हैं कि सूर्या भाऊ टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं और अपना फोकस ODI और T20 फॉर्मेट पर जारी रख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सूर्या बिना खेले ही टेस्ट मैचेस से संन्यास लेते हैं या फिर अपने आप को मौका देने की कोशिश करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।